How to fix setting icon missing problem in Android phone। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आपका फ़ोन पे जो है सेटिंग का आइकॉन मिसिंग है और दोस्तों यहाँ पर आप सेटिंग पर जा नहीं पा रहा है, तो दोस्तों यदि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप ये प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, आपका फ़ोन पे जो है आपको सेटिंग आइकॉन नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको सेटिंग आइकॉन दिखाई नहीं देता है तो फिर दोस्तों आप सेटिंग पे एंटर भी नहीं कर पाते। और दोस्तों आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, मैं आपको इसी सॉल्यूशन के बारे में दोस्तों इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि आपका सेटिंग आइकॉन मिसिंग है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो आप कैसे फिक्स कर सके। तो दोस्तों यदि आप फिक्स करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो है वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पे आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आइए हम वीडियो को बिना देर के हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, तो यदि आपका सेटिंग का आइकॉन मिसिंग आपके होम स्क्रीन से, ठीक है। लेकिन दोस्तों किसी किसी का फ़ोन पे जो क्या होता है, यहाँ पे आपको मेन मेनू रहता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यानी कि आपका ऐप ड्रॉवर। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक हो गया दोस्तों यहाँ पर आपको मेन मेनू का सेटिंग, ठीक है। तो उसमें दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर सकते हैं। और दोस्तों किसी का फ़ोन पे जो होते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेन मेनू एक होते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ से भी मिसिंग हो जाते हैं। और दोस्तों किसी किसी का फ़ोन पे यहाँ पर दो जगह पर रहते हैं, ठीक है, आपका सेटिंग। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हो गया दोस्तों आपका होम स्क्रीन का सेटिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक हो गया आपका मेन मेन्यू का सेटिंग। यदि दोस्तों दोनों में से ही सेटिंग गायब है, आपका सेटिंग आइकॉन यहाँ पर शो नहीं कर रहे, तो आपको ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गियर आइकॉन, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है। ये आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो सेटिंग आइकॉन मिसिंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आके दोस्तों आपको ऐप्स पर जाना है, ठीक है। यदि आपको ऐप्स ना मिले तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल ऐप, एप्लीकेशन मैनेजर, या फिर मैनेज ऐप, या फिर दोस्तों इंस्टॉल, आपको यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। बेसिकली एप्लीकेशन पर आपको आना है। तो आपको यहाँ पर आके दोस्तों सिस्टम लॉन्चर सर्च करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो ऐसे सर्च करके देखिए, यदि आपको यहाँ पर ना मिले तो आपको थ्री डॉट्स में क्लिक करना है, उसके बाद शो सिस्टम एप्लीकेशन कर देना है। तो ये करने के बाद दोस्तों आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा सिस्टम लॉन्चर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आ गया सिस्टम लॉन्चर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सिस्टम है, ठीक है, एंड्रॉयड सिस्टम, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टोरेज में जाके इसका डेटा को क्लियर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेटा को क्लियर कर देना है। तो सिस्टम लॉन्चर यहाँ पर दोस्तों हमें ऑफिशियल वाला सर्च करना होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये वाला सिस्टम लॉन्चर मुझे लगता है नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिस्टम यूआई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चले जाना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको सिस्टम लॉन्चर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिस्टम लॉन्चर मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च कीजिए, सिस्टम लॉन्चर को सर्च कीजिए, उसके बाद उसको क्लियर डाटा कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें ज़रूर होगा सिस्टम लॉन्चर। तो आप उसको सर्च कीजिए और क्लियर डाटा करके आप चेक कीजिए फ़ोन को रिस्टार्ट करके, ठीक है। तो ये करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स होगा, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए, ये करने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम ठीक होते हैं तो फिर दोस्तों अच्छी बात है। यदि प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है ये करने के बाद भी, तो आप दोबारा से सेटिंग पे आइए और अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ले। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सेटिंग आइकॉन मिसिंग, वो दोस्तों डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों सॉफ्टवेयर को आप आके यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों यदि इसके बाद भी आपका आइकॉन मिसिंग रहते हैं तो फिर दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर में और किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए जो कि सिस्टम ऐप के नाम से शो करेगा, ठीक है। तो वहाँ से भी दोस्तों आप अपने सेटिंग को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं प्ले स्टोर के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के मदद से। तो आप दोस्तों यहाँ पर यह सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको जो प्ले स्टोर का यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन बताया, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपका जो सेटिंग आइकॉन मिसिंग का प्रॉब्लम है वो आप खुद से फिक्स कर सकते हैं। तो मुझे मेरे दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।